सेना पर सवाल उठाने वालों का समर्थन कांग्रेस के नेता तब कर रहे हैं जबकि राहुल गांधी इस समय देश में भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले। तभी कांग्रेस की नेता और पहले अभिनेत्री रही नगमा तो ऋचा चड्ढा का समर्थन करते करते एक कदम और आगे बढ़ती हैं। नगमा सेना पर सवाल उठाती बातों को कहती हैं कि हाँ ये सही है, सेना के नॉर्दर्न कमांडर को कटघरे में खड़ा करती हैं, सेना के तमाम अफसरों को सियासत के अनुसार बयान देने का आरोप लगाती है। पहले देश और देशवासियों के लिए सोचने वाली भारतीय सेना, जिनके जवान हमेशा वतन को ये भरोसा देते हैं कि वो तैयार, तब क्यों राजनीतिक विरोध के चलते सेना के कमांडर और सेना की तैयारी को ही कटघरे में खड़ा करने वाली बात कांग्रेस की नेता नगमा ने कही। नगमा ने क्या किया है पहले ये देखिए। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जब कहा कि भारतीय सेना पीओके में कब्जे के लिए तैयार है, तब एक ट्वीट की लिखी इन बातों को नगमा ने कहा क्वाइट राइट, यानी ये ठीक है, जिसमें समर्थन करते हुए इस बात पर कांग्रेस नेता ने मुहर लगाई कि ऋचा चड्ढा ने सेना के शहीदों का मजाक नहीं उड़ाया। ऋचा चड्ढा तो बीजेपी का चुनावी फायदा कराने का राजनीतिक बयान देते सेना के अफसर को टारगेट कर रही थी। जब सेना का राजनीतिकरण होता है तो आलोचना सहने और मजाक सहने को तैयार रहिए। कांग्रेस की नेता नगमा की इन बातों पर भरोसा ना हो तो आज तक संवाददाता गौरव सावंत के साथ हुई बातचीत को सुनिए, भरोसा हो जाएगा। नगमा जी, गलवान को लेकर ये जो पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है, पहले ऋचा चड्ढा का ट्वीट और उसके बाद सेना के एक वेटरन का कहना जिसको आपने क्वाइट राइट कहा है, आप इसे किस परिपेक्ष में देखती हैं? क्योंकि ऋचा चड्ढा ने जो पूरी बात कही थी वो तो आर्मी कमांडर के ट्वीट को, आर्मी कमांडर के बयान को लेकर कही थी। पहले तो सभी को नमस्कार, और हमने हमेशा से भारत की सेना को और भारत के जितने भी जवान हैं जिन्होंने अपनी जानों की बलिदानें दी हैं उनको हमेशा हमने सर्वोपरि रखा है और आज भी उसी तरह से हम पूरे सम्मान के साथ उन्हें देखते हैं। तो ये ट्वीट जो मैंने किया था ये एक आर्मी मैन को ही मैंने सेकंड करके किया था और उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात की थी, क्योंकि पास में हमने देखा है कि जनरल जो है आर्मी जनरल भी जाके बीजेपी ज्वाइन किए हैं। तो इस संदर्भ में जब उन्होंने इस इलेक्शन के टाइम पे कोई बयान दिया तो उस पे ये बात वाजिब बनती है कि ऐसा हो भी सकता है, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जब गलवान का इंसिडेंट हुआ था उस समय पर हमारे जो शहीदों ने अपनी जानों की बलिदानें दी थी, कुर्बानी दी थी, तो वो किस लिए दी थी? क्योंकि हमारे सरजमीन पे चाइना के लोग आ गए थे और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोई आया नहीं, कोई घुसा नहीं। लेकिन तो नगमा जी, अपमान होता है या हमने जो कहा वो अपमान, हमने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। लेकिन नगमा जी, आप सही कह रही हैं, आप आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांड पर आरोप लगा रही हैं कि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। किसी कमांडर पे आरोप नहीं लगाया, मैंने किसी कमांडर पे आरोप नहीं लगाया, लेकिन कभी ऐसा होता है कि आर्मी के लोग भी जाके पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन करते हैं और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो वाद विवाद के बयान होते हैं वो इलेक्शन टाइम पे भी दिए जाते हैं। यानी नगमा को लगता है कि सिर्फ अभी गुजरात चुनाव को देखते हुए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए भारतीय सेना के कमांडर ने अपनी पूरी तैयारी की बात कही। सर्टेन फ्यू पीपल और एन आर्मी जनरल आल्सो हैज गॉन एंड जॉइंड अ पार्टी लेटर आफ्टर रिटायरिंग बट और आफ्टर द यू नो टर्म इज कंप्लीट। सो आई वुड से दैट आई एम नॉट particularly saying that the army is politicized, but here in this particular case all that the general said is that we are absolutely ready, and that's a fact that the army is always ready, they are always ready to take on, but the current dispensation has to give them the order. So why isn't the current dispensation giving them that order? Nagma seedhe sena ki vardi pehne mushkil halaat mein har kathinai mein desh ki raksha karte ek afsar ke aage बीजेपी में शामिल होने की आशंका जताते हुए उनके बयान को गुजरात चुनाव से जोड़ने की गलती करती हैं।
आप आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांड पर आरोप लगा रही हैं कि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। किसी कमांडर पे आरोप नहीं लगाया, मैंने किसी कमांडर पे आरोप नहीं लगाया, लेकिन कभी ऐसा होता है कि आर्मी के लोग भी जाके पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन करते हैं, और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो वाद विवाद के बयान होते हैं वो इलेक्शन टाइम पे भी दिए जाते हैं। सेना का मजाक उड़ाती ऋचा का समर्थन करती कांग्रेस नेता नगमा सेना और सेना के कमांडर पर गंभीर आरोप लगाती है, लेकिन एक कांग्रेस नेता इनका विरोध नहीं करता। आज तक ने पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद से पूछा, क्या आप नगमा की बात का विरोध करेंगे? सुनिएगा सवाल और जवाब। We like this, we don't like it, the Congress party will do so. यानी सेना पर सवाल उठाती अपनी पार्टी के नेता के बयान पर किनारा कर सकते हैं, लेकिन क्या सलमान खुर्शीद इतना नहीं कह सकते थे कि जो कहा नगमा ने गलत कहा, आगे पार्टी फैसला करेगी? इसीलिए बीजेपी कांग्रेस की सियासत पर सवाल उठाती है।